नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवैज। इस बुलेटिन में आज बात होगी प्रियंका के दौरे से गरमाई सियासत की, बिहार में कांग्रेस के महाप्लान की, जानेंगे कि महाराष्ट्र में क्यों नहीं थम रहा उठापटक का दौर, दिल्ली में किन सवालों ने बीजेपी अध्यक्ष को किया बेचैन, और आखिर में बात राज्यसभा में बहुमत से दूर बीजेपी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। जेडीयू, अपना दल, एआईएडीएम के, एनपीपी सहित कई सहयोगियों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। कुछ मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का बयान, कहा ये पार्टी का आंतरिक मामला है, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा वही बनेगा अध्यक्ष। झारखंड सरकार में कांग्रेस ने हेमंत सोरेन से मांगे 5 मंत्री पद, विधानसभा में अपना स्पीकर बनवाने के इच्छुक नहीं है पार्टी, बड़े मंत्रालयों पर भी है कांग्रेस की नजर, अभी झारखंड में है कांग्रेस के 2 मंत्री। गुड गवर्नेंस मामले में बिहार को मिला देश में 15वां स्थान, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने जारी की सूची, तमिलनाडु पहले, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर। सूची पर जेडीयू ने उठाए सवाल तो आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। 4 दिवसीय टेस्ट के प्रस्ताव से नाखुश विराट कोहली, भारतीय कप्तान कोहली ने कहा खेल के पारंपरिक 5 दिवसीय प्रारूप में बदलाव के पक्ष में नहीं हूं। और इरफान पठान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किया संन्यास का ऐलान, कहा आज मैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहा हूं, ये मेरे लिए भावुक पल है। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर प्रियंका गांधी के यूपी दौरे की। आज कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अचानक पहले मुजफ्फरनगर और फिर मेरठ पहुंचकर सभी को चौंका दिया और योगी प्रशासन देखता रह गया। प्रियंका के इन बढ़ते कदमों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे ग्रुप एडिटर राजीव रंजन जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्वाति। तो राजीव जी, प्रियंका गांधी ने आज एक बार फिर यूपी की सियासत को गरमा दिया है। योगी सरकार को ठेंगा दिखाकर वो जिस तरह से आज पीड़ित परिवारों से मिली हैं, उससे क्या लगता है आपको कि क्या प्रियंका परिपक्व नेता के तौर पर उभर रही हैं? बिल्कुल स्वाति, प्रियंका गांधी एक परिपक्व नेता की तरह ही काम कर रही हैं। आपको याद होगा कि पिछले 24 दिसंबर को प्रियंका और राहुल गांधी दोनों मेरठ गए थे, लेकिन उनको मेरठ में घुसने नहीं दिया गया था, जबकि आज प्रियंका न सिर्फ मेरठ गईं बल्कि उससे पहले वो मुजफ्फरनगर भी गईं। दोनों जगहों पर उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। दरअसल नागरिकता के विरोध के दौरान इन दोनों जिलों में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, शासन प्रशासन का रुख इनके प्रति ठीक नहीं रहा है, इसीलिए प्रियंका इन पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके दुख और तकलीफ को बांटना चाहती थी, जो आज उन्होंने किया। स्वाति, हम सब देख ही रहे हैं कि नागरिकता के प्रति सरकार का रवैया अड़ियल है, जबकि जनता भी इस बार झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर जनता को कांग्रेस जैसे विपक्षी दल का साथ मिल जाता है तो ये मसला सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। जहां तक आपका प्रश्न प्रियंका के परिपक्व राजनेता के रूप में उभरने का है, तो हां, यह बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इतने कम समय में जिस प्रकार प्रियंका ने राजनीति में और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सियासत में अपने पैर जमा लिए हैं, उससे योगी सरकार के पसीने जरूर छूटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इस जानकारी के लिए। वाकई प्रियंका गांधी भले ही लोकसभा चुनाव के दौरान कोई खास कमाल ना दिखा सकी हो, लेकिन अब वो धीरे धीरे पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने में जुट गई है, जिसका असर भी होता दिख रहा है। तभी तो बीजेपी के साथ साथ अब सपा और बसपा को भी वो खटकने लगी हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत का इतिहास गवाह है कि पिछले 3 दशकों से कांग्रेस यहाँ अपना वनवास खत्म नहीं कर सकी है। पार्टी ने कोशिश तो बहुत की लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। लेकिन अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस की किस्मत को पलटने की कोशिश कर रही है, और उनकी ये कोशिश कहीं कामयाबी की तरफ ना बढ़ जाए, इस बात का डर अभी से सपा और बसपा को सताने लगा है। जी हाँ, प्रियंका गांधी की सक्रियता सूबे की क्षेत्रीय पार्टियां सपा और बसपा को अखड़ने लगी है। यही वजह है कि मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल में सपा से लेकर बसपा तक अपने सुर मिलाने को तैयार नहीं है, विपक्षी एकता में साथ आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के पुराने साथी रह चुके सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार के फैसले की मुखालफत तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे। वहीं जब प्रियंका गांधी उनसे और बसपा प्रमुख मायावती से जवाब मांगती हैं, तो उल्टा मायावती उन्हें ही घेरने में जुट जाती हैं। इन दिनों मायावती तो बीजेपी की ताल में ताल मिला रही हैं। कोटा मामले को लेकर वो अशोक गहलोत सरकार से नहीं बल्कि प्रियंका गांधी से सवाल पूछ रही हैं। उनसे पूछ रही हैं कि वो कोटा कब जाएंगी। इन सवालों की फेहरिस्त साफ होता है कि सपा से लेकर बसपा को प्रियंका की बढ़ती सक्रियता से अपने वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। इसकी वजह प्रियंका गांधी के आक्रामक तेवर है, जिसके बूते वो अखिलेश और मायावती को मात देकर सूबे में परिपक्व नेता के तौर पर उभर रही है। सपा बसपा को चिंता सता रही है कि कांग्रेस महासचिव के कदम अगर यूं ही बढ़ते रहे तो अब की बार पंजे को पस्त नहीं किया जा सकेगा। इसलिए तो मायावती प्रियंका गांधी को घेर रही हैं।
खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रियंका की ताकत से क्षेत्रीय दलों का क्या होता है। उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी पार्टी का वनवास खत्म करने की कोशिश कर ही रही हैं, वहीं बिहार में भी अब पार्टी ने बीजेपी के बढ़ते कदमों पर ब्रेक लगाने के लिए महाप्लान पर मंथन तेज कर दिया है। खबर है कि कांग्रेस बिहार फतह के लिए झारखंड जैसी रणनीति अपना सकती है, तो क्या है वो स्ट्रेटेजी, आइए देखते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी, या यूं कहें कि मोदी लहर में डूबती जा रही थी। लेकिन 2018 में हिंदी पट्टी के राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली जीत ने उसे ऐसी संजीवनी दी कि पार्टी में नई ताकत आ गई और उसी जोश के साथ वो धीरे धीरे किला फतह करती जा रही है। महाराष्ट्र के बाद झारखंड में अपनी जीत का डंका बजाने के बाद अब बिहार में भी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए लगातार रणनीतियां तैयार की जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस बिहार का चुनाव भी झारखंड की तर्ज पर लड़ेगी, यानी फॉर्मूला महागठबंधन वाला है। जैसे कांग्रेस ने झारखंड में महागठबंधन की ताकत से बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी, ठीक उसी तरह से पार्टी अब बिहार में भी महागठबंधन की रणनीति पर काम करेगी। वैसे 2015 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर गठबंधन का रूप लिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने बागी बन इस दोस्ती को दुश्मनी में तब्दील कर दिया। मगर अब कांग्रेस का फोकस आरजेडी को अपने साथ रखने पर है, क्योंकि पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि आरजेडी के साथ से ही बिहार में उसका जनाधार बढ़ेगा, इसलिए तो तेजस्वी की हां में ही हां मिलाई जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आगामी चुनाव में आरजेडी के साथ समझदारी से सीट बंटवारा कर लिया जाएगा, ताकि एनडीए में पड़ी फूट का फायदा मिल सके। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस का ये महाप्लान बीजेपी को मात देकर उसे सत्ता दिला पाएगा या नहीं। बिहार के बाद अब रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का, जहां एक तरफ मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर पहले ही उद्धव सरकार परेशान है, वहीं उसके अपने भी बागी तेवर अख्तियार कर उसकी मुश्किलें बढ़ाने में लगे हैं। अब शिवसेना कोटे से राज्य मंत्री बने अब्दुल सत्तार ने अपना पद त्याग दिया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने एक महीने की माथापच्ची के बाद कैबिनेट विस्तार कर राहत की सांस ली थी, लेकिन इस विस्तार ने तो ऐसी बगावत की शुरुआत की कि सरकार की परेशानी ही बढ़ गई। जी हां, जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तीनों दलों से असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं, जिसे शांत करने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों के बीच अब शिवसेना कोटे से मंत्री अब्दुल सत्तार ने अपना पद त्याग दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किए गए अब्दुल सत्तार की मांग थी कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया जाए, लेकिन शिवसेना ने उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया, जिससे नाराज होकर अब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, जिसे अभी स्वीकार नहीं किया गया। माना जा रहा है कि उनकी पसंद का मंत्रालय देकर उन्हें मनाया जा सकता है। आपको बता दें कि अब्दुल सत्तार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान सत्तार को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया था। दरअसल कांग्रेस ने जालना और औरंगाबाद में जिन लोगों को लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया था, सत्तार उनसे नाखुश थे, जिस पर उन्होंने औरंगाबाद लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव को अपना समर्थन दिया। इस बात से खफा कांग्रेस ने अब्दुल सत्तार को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद शिवसेना में आए सत्तार अब उसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र में जहां अपनों ने उद्धव सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी भी सीएम पद को लेकर सवालों का सामना कर रही है। दिल्ली में बीजेपी जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इन सवालों ने अब बीजेपी अध्यक्ष को परेशान कर दिया है, और वो भी ऐसे वक्त में जब बीजेपी पहले ही चौतरफा घिरी हुई है। दिल्ली का दिल जीतने के जुगत में बीजेपी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की तरह लोगों को लुभाने में तो जुट गई, लेकिन उसने आप की तरह अब तक अपने सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में वो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में किरण बेदी के चेहरे के दम पर चुनावी मैदान में कूद चुकी है, लेकिन उसका मंगल ना हो सका। अब की बार भी चेहरे के चक्कर में कहीं अमंगल ना हो जाए, इसलिए बीजेपी किसी भी नाम के ऐलान से बच रही है, लेकिन ये रणनीति उस पर भारी पड़ रही है। न सिर्फ अन्य दल उसकी घेराबंदी कर रहे हैं, बल्कि अपने नेता भी उम्मीद की नजरों से उसे देख रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जब रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने पार्टी के चुनाव प्रचार का बिगुल बजाया था, तभी नेताओं को लगा था कि अब तो सीएम के नाम का संकेत भी मिलेगा, लेकिन पीएम मोदी मौन बने रहे। उनकी इस चुप्पी से नेताओं में मायूसी छा गई। अब यही मायूसी रविवार को होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री की सभा में भी देखने को मिल सकती है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि कल गृह मंत्री दिल्ली में डोर टू डोर अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके जरिए मोदी सरकार के नए कानून के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। इस दौरान वो रैली को भी संबोधित करेंगे। नेताओं को उम्मीद है कि इस रैली में सीएम के नाम का संकेत मिल सकता है। पार्टी नेताओं की इसी महत्वाकांक्षाओं ने केंद्रीय गृह मंत्री को प्रेशर में डाल दिया है, क्योंकि अगर नाम का ऐलान नहीं किया तो पार्टी में बगावत छिड़ेगी, और अगर किया तो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की तरह हार मिल सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्री की इसी परेशानी के बीच मनोज तिवारी, विजय गोयल, हरदीप पुरी, प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता की धड़कनें बढ़ी हैं, क्योंकि इन्हीं नेताओं का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। लेकिन पार्टी हाईकमान किसी भी नाम पर मुहर लगाने को तैयार नहीं, जिसे लेकर कई बार आवाज भी उठ चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि इस दबाव से क्या सीएम के नाम पर पड़े पर्दे को बीजेपी अध्यक्ष उठाते हैं या नहीं। तो दिल्ली में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार कौन होगा ये तो पता नहीं, लेकिन आगामी वित्त वर्ष में क्या आर्थिक मंदी, महंगाई, बेरोजगारी से राहत मिलेगी, इसका जवाब बजट सत्र में जरूर मिल सकता है, जिसकी तारीखों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। लेकिन इसे लेकर संभावित तारीखें सामने आ गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को साल 2020-21 के लिए मोदी सरकार का आम बजट पेश करेंगी, लेकिन इससे पहले ही बजट सत्र का आगाज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी से इसकी शुरुआत हो सकती है। परंपरा के मुताबिक सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी, जहां राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे और सरकार की भावी योजनाओं का खाका पेश करेंगे। इसके अगले दिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020 और 21 के लिए बजट पेश करेंगी और इस दौरान ये बताएंगी कि नए साल में हमें इनकम टैक्स में कुछ रियायत मिलेगी या नहीं, महंगाई कम होगी या नहीं, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इस साल सरकार शिक्षा के लिए कितना खर्च करेगी। बजट सत्र दो भागों में होगा। पहला सत्र 7 फरवरी तक चलने की संभावना है, जिसके बाद दूसरा भाग मार्च के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा, जिसमें मोदी सरकार के फैसलों और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर बहस होने की संभावना है। साथ ही इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पास कराएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राज्यसभा में बहुमत से दूर बीजेपी की। लोकसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है और पार्टी आसानी से कोई भी बिल पास करा लेती है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी फंस जाती है, क्योंकि यहां बहुमत का गणित विपक्ष के पाले में है। बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि 2020 तक राज्यसभा में भी बहुमत उसके पास होगा, लेकिन बीजेपी की ये उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही। इस साल राज्यसभा में पार्टियों की स्थिति में क्या हो सकता है बदलाव, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2020 में राज्यसभा की 73 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें से 69 सीटें सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के कारण खाली होंगी, जबकि 4 सीटें पहले से ही खाली हैं। जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें से अभी बीजेपी के पास 18 और कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं। बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि उसकी सीटें इस बार दोगुनी हो जाएंगी, लेकिन पिछले एक साल से विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उसने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 2018 के अंत में बीजेपी के हाथ से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ निकल गए। 2019 में उसे झारखंड और महाराष्ट्र में भी हार मिली। हरियाणा में बीजेपी की सरकार तो बच गई, लेकिन सीटें घट गईं। राज्य दर राज्य मिली हार का असर राज्यसभा चुनाव में दिखेगा। जिन राज्यों में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें से यूपी के हिस्से की 10, महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बंगाल और बिहार की 5-5, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की 4-4 सीटें होंगी। इसके साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम की 3-3 सीटें, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड के हिस्से की 2-2 सीटों पर भी चुनाव होगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल से 1-1 सीट खाली होगी, जिन पर चुनाव कराया जाएगा। फिलहाल 245 सदस्यीय राज्यसभा में बीजेपी के पास 83 और कांग्रेस के पास 46 सदस्य हैं, और चुनावों के बाद बीजेपी को मामूली फायदा हो सकता है, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा भी थोड़ा बढ़ सकता है, यानी बीजेपी की राज्यसभा में बहुमत हासिल करने की उम्मीद जल्द पूरी नहीं हो पाएगी। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।